अपनी सुंदरता और प्रकृति से मिली खूबसूरती के लिहाज से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले स्मार्ट शहर उदयपुर को इन दिनों सुंदर बनाने की कवायद जोरों पर है। लेकिन इस बार लेक सिटी को स्मार्ट बनाने का जिम्मा उठाया है सात समुंदर पार से आने वाले विदेशी सैलानियों ने। देश के 20 स्मार्ट शहरों में शुमार झीलों का शहर उदयपुर लगातार सरकारी एजेंसियों के मार्फत स्मार्ट बनता जा रहा है, लेकिन इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने में अब विदेशी सैलानी भी पीछे नहीं रहना चाहते। न्यूजीलैंड से आए विदेशी पर्यटकों के एक दल ने ब्रह्मपोल इलाके की एक गंदी दीवार पर ऐसी कला उकेरी कि लोग हैरान रह गए। विदेशी महिलाओं की इस टीम का मानना है कि ग्रामीण इलाकों के स्कूली बच्चों को अगर ऐसी कला सिखाई जाए तो वो अपने आसपास की दुनिया को बेहद खूबसूरत बना सकते हैं। My motive here is to as a gift for this community. We decided to do this because I come to India every year for my jewelry manufacturing and in Jaipur, and these are my friends, and we decided we wanted to do a project together where we could give something back to the community. An artist and four of us have come over to work with the children to do the workshops and then to share what we've learned with them to paint on this mural. It's great to see the kids and sharing this knowledge with them because you can use art and creativeness in anything you do later in life. It's very useful even if it's not directly painting or jewelry or whatever it may be, but it helps to use your brain in another way as well. So it's very useful for how you work when you get older. So it's very important to keep an open mind. हालांकि लेक सिटी के आर्टिस्ट को सरकारी विभाग से इस काम को करने के लिए कोई मदद भी नहीं मिली, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपने स्तर पर आसपास के इलाकों के स्कूलों में संपर्क किया तो स्कूल प्रशासन ने इस काम के लिए उन्हें सकारात्मक रिस्पांस देते हुए हामी भर दी। ये जो लोग हैं यहाँ पेंटिंग बना रहे हैं, इन लोगों ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया, इन्होंने मेरे बारे में, इनको पता चला कि मैं यहाँ का लोकल आर्टिस्ट हूँ और इनको मेरा काम पसंद है, तो इन लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि हम आपके शहर में आना चाहते हैं और यहाँ पे आके जो आपके आसपास गांव में कुछ बच्चे हैं उनको हम लोग सिखाना चाहते हैं पेंटिंग। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बागोर की हवेली जाके संपर्क किया कि मुझे यहाँ पे शिल्पग्राम में जगह चाहिए जहाँ पे चार विदेशी आर्टिस्ट आएंगे और यहाँ के लोकल लोगों को दिखाएंगे। तो वहाँ से मुझे रिस्पांस जीरो दिया गया, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हम इस तरह से कोई सहयोग नहीं करेंगे आपसे। फिर मैंने खुद अकेले जाके हवाला गाँव में प्राइमरी स्कूल के टीचर से बात करी, मैंने बोला कि यहाँ पर कुछ लोग आने वाले न्यूजीलैंड से और वो यहाँ के बच्चों को कुछ आर्ट कला सिखाएंगे तो क्या परमिशन दोगे, तो उन लोगों ने मुझे वहाँ पे परमिशन दी। यहाँ से जब निकले तब पता चला कि कुछ क्रिएटिविटी हो रही है, जैसे कि कोई अदर कंट्री के लोग यहाँ पे कुछ कर सकते हैं तो अपन तो इसी देश के, तो यहाँ पे गंदगी की बजाय अपन ऐसी कोई चीज क्यों नहीं कर। विदेश की धरती से आए इन सैलानियों की कला से हर कोई अभिभूत है और इस पहल की सराहना की जा रही है। कपिल श्रीमाली, इंडिया 24/7 उदयपुर।